हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का यूनिक टॉपर्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्ट की हुई है क्लास 10 के लिए ज्योमेट्री, मैंने पिछली दो क्लासों में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। आज आइए उस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बेहद ही आसान और अच्छे से समझने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाई वन आप इसको देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8, फाइंड आपको साइन एंड sec। तो आपको साइन ए और sec की वैल्यू बताना है। क्या है आपके पास 15 cot a बराबर 8, 15 15 cot a बराबर आपको 8 दिया था और आपको फाइंड क्या करना था, साइन ए और क्या sec ए, यही फाइंड आउट करना था मेरे भाइयों। तो आइए इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले मेरा गिवन क्या है, मेरा सिर्फ दिया क्या है 15 cot a। आज का ये पहला क्वेश्चन होने वाला है 15 cot a बराबर 8 और आपको बताना क्या है, साइन ए और sec ए की वैल्यू बताना था। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है और आपसे साइन ए और sec ए पूछा है, तो इसको सबसे पहले करते कैसे हैं। तो आपको cot a के बारे में जानकारी दी है, यानी कि आपसे बोला 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 गिवन है। अब इसमें से जैसे ये 15 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो cot a बराबर क्या आ जाएगा मेरा 8/15, cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। cot a बराबर जैसे ही 8/15 हुआ तो आपको पता होगा cot a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, cot a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये वैल्यू मेरी बेस की हो जाएगी और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये हुआ मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी रहा, जिसपे बी पे मैंने एक राइट एंगल बना लिया। अब बोलो ए पे राइट एंगल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ए मेरा किसमें आ गया, एक एक्यूट एंगल में आ गया। तो ए जब एक्यूट एंगल में आ गया तो अदर दो एंगल जो बचे हैं उसमें से हम किसी एक को राइट एंगल ले सकते हैं। तो आइए बेस को सबसे पहले क्या रखते हैं 8 और परपेंडिकुलर क्या रखते हैं 15। तो जब मेरा एंगल ए यानी कि रेफरेंस ऑफ एंगल कौन सा है ए, तो इसके सामने वाली लाइन किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15, तो मैंने सबसे पहले 15 लिख रखा है। अब बोलो बेस क्या है, तो बेस मेरा कितना है 8, तो मैंने इस लाइन को क्या ले लिया 8 ले लिया, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बोलो साइन ए निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की मुझे जरूरत पड़ती है। तो परपेंडिकुलर तो मुझे पता है 15 है, लेकिन हाइपोटेनस क्या मुझे मालूम है, नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दो साइड गिवन हो और मुझे तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम किस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो आओ सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसका हाइपोटेनस पता कर लेते हैं, यानी कि उसकी थर्ड साइड पता करते हैं। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे AC है, AC का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है मेरा 64। तो यहाँ से मेरा AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 225 में से 64 ऐड करें कितना आएगा 289 आएगा, 289। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 289 किसकी वैल्यू होती है, तो 289 किसकी वैल्यू होती है, 17 की होती है, किसकी 17, ये 17 है। तो मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया, मेरा हाइपोटेनस मेरे प्यारे बच्चों 17 आया। तो हाइपोटेनस मेरा 17 आ गया, मुझे साइन ए निकालना था, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15।
हाइपोटेनस मेरे पास कितना आया 17, तो 15 अपॉन 17 क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन ए मुझसे पूछा था, देखो क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा था, साइन ए पूछा था, तो मैंने साइन ए निकाल लिया 15 अपॉन 17। क्लियर है ना इतनी सी बात। चलो अब जल्दी से निकालो सेक ए की वैल्यू क्या होने वाली है, सेक ए की वैल्यू निकालो, सेक ए की वैल्यू निकालो आप जल्दी से। देखो अब जैसे मुझे sec a की वैल्यू निकालना है, इसकी निकालना है sec a की, sec किसका रेसिप्रोकल होता था, किसका रेसिप्रोकल sec होता था, तो बोलोगे cos का रेसिप्रोकल होता था, cos क्या होता था मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो sec की वैल्यू क्या होनी चाहिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब मेरे क्वेश्चन में हाइपोटेनस कितना गिवन है, देखो मेरे क्वेश्चन में हाइपोटेनस कितना गिवन है, हाइपोटेनस 17 गिवन है, बेस कितना गिवन है, तो बेस मेरा 8 गिवन है, तो आइए रखते हैं इस पे। तो हाइपोटेनस कितना गिवन था 17, बेस कितना गिवन था 8, तो sec a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 17/8, sin a की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 15/17। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आया ना, ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे sec थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, sec थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12, तो आपको कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको जितने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे के सारे आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलो sec थीटा बराबर 13/12 दिया है, sec थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, sec थीटा बराबर 13/12 गिवन है, आपको सारे बताने, यानी आपको क्या क्या बताना, तो लिखते इधर, आपको sin थीटा निकालना है, आपको cos थीटा निकालना है, और आपको tan थीटा निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है cosec थीटा भी निकालना है मेरे बच्चों, और फिर मुझे क्या निकालना है cot थीटा भी निकालना है, तो मुझे ये सारे के सारे रेशियो निकाल के आप लोग बताओ। तो सबसे पहले मेरा sec थीटा की मैंने, sec थीटा क्या होता था, सबसे पहले sec थीटा आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos मेरा क्या होता है, तो cos मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec मेरा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये मेरा हाइपोटेनस रहने वाला है और ये मेरा बेस रहने वाला है। तो आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल आराम से ड्रा करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ये मेरा एंगल ए हो गया, ये मेरा एंगल बी हो गया, ये मेरा एंगल सी हो गया, यहाँ पे मैंने एंगल लेट कर लिया कि एंगल क्या है मेरा थीटा, एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा ले लिया गया, बी पे 90 डिग्री है तो बी पे मैंने 90 डिग्री प्लॉट कर दिया। अब बोलो हाइपोटेनस मेरा 13 है, तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस का काम करती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हो गई हाइपोटेनस जो कि 13 गिवन है। फिर बेस, एंगल ऑफ रेफरेंस जहां पर होता है वो लाइन मेरा बेस का काम करती है, मैंने आपको बताया था जहां पे मेरी आंखें होती हैं वो लाइन बेस का काम करेगी, आंखों के जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो यहाँ बेस का काम कौन सी लाइन करेगी, ये वाली लाइन काम करेगी। अब मुझे साइन थीटा की जरूरत है, किसकी जरूरत है, साइन थीटा की जरूरत है, साइन थीटा के लिए मुझे किस रेशियो का जरूरत पड़ता है, तो आप बोलोगे मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो लिख लिया, लेकिन क्या मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, नहीं पता है परपेंडिकुलर, तो ये तो पता है ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें गिवन हो, मुझे तीसरी साइड निकालनी हो, तो हम दौड़ दौड़ के पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल लेते हैं, तो वही काम इस पे कर लो ना, तो वही काम इस पे करते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है मेरा बीसी, यानी बीसी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, 12 का स्क्वायर होता है 144, अब इधर ये प्लस का है तो इधर उठ के आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 169 माइनस 144 इक्वल बीसी का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो बीसी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो मेरा बीसी बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो बीसी बराबर आपका आ जाएगा 5, बीसी बराबर कितना आया, तो बीसी बराबर आ गया 5, तो BC की वैल्यू 5 आ गई, यानी मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया। अब मुझे sin थीटा निकालना था, sin थीटा मुझे निकालना है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है,
तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे क्वेश्चन में? बोलोगे 5 है। हाइपोटेनस मेरे क्वेश्चन में कितना है? बोलोगे 13 है। तो मेरा साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5/13। तो 5/13 मेरे, 5/13 मेरा साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब बात आती है मेरी कॉस थीटा की। कॉस थीटा में मेरे किसकी जरूरत पड़ती है? तो जल्दी से बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस की मुझे जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस की। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है, एंगल ऑफ रेफरेंस का बहुत ध्यान रखना। एंगल ऑफ रेफरेंस अगर चेंज होता है तो रेशियो भी मेरा चेंज होता है। लेकिन यहाँ सारे के सारे एंगल ऑफ रेफरेंस क्या गिवन है? तो थीटा ही गिवन है, तो यहाँ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा, कॉस थीटा के लिए बेस मेरा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो बेस कितना है मेरे पास? ए बी। तो ए बी, हाइपोटेनस मेरे पास कितना है? ए सी। तो ए सी हो गया। ए बी का वैल्यू कितना है? 12। AC का वैल्यू कितना है? 13। तो मेरी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/13। आई ना 12/13? क्लियर है? तो आओ अब निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा बोलोगे होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बताओ परपेंडिकुलर मेरा इस क्वेश्चन के लिए क्या है? परपेंडिकुलर कितना है? तो बोलोगे परपेंडिकुलर मेरा BC है और बेस मेरा क्या है? AB है। तो BC अपॉन AB है। तो BC की वैल्यू कितनी है? 5। और AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है 12। तो 5/12 इसका मान आ जाएगा। 5/12 मेरा tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना सभी को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आती है बात किसकी? cosec थीटा की। तो cosec थीटा निकालो, जल्दी से निकालो सभी लोग। cosec थीटा, cosec थीटा मेरा क्या होता है? सबसे पहले तो cosec थीटा दिमाग में आते ही आपको क्या बात आनी चाहिए? मेरा cosec थीटा तो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। sin थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मेरा cosec थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और मेरा इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस कितना है? AC। हाइपोटेनस कितना है मेरा इस क्वेश्चन में? तो हाइपोटेनस मेरा इस क्वेश्चन में है AC। AC अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर है BC। AC कितना हुआ? AC हुआ 13। BC कितना हुआ? BC हुआ 5। तो 13/5 किसकी वैल्यू आ जाएगी? cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cosec थीटा की वैल्यू आ गई 13/5। अब बात आती है cot थीटा की। सबसे पहले बताओ सभी, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? जल्दी से बोलो, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो tan थीटा मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा के लिए? बोलोगे AB है। तो AB है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर मेरा BC है। तो AB अपॉन BC है। तो अब ये कितना आ जाएगा? AB की वैल्यू कितनी है बोलो? 12। और BC की वैल्यू कितनी है? 5। तो 12/5 किसका आ गया मेरा? cot थीटा की वैल्यू आ गई। आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना। क्वेश्चन देखो, आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला था, गिवन है आपको sec थीटा इक्वल 13/12। क्या गिवन था? sec थीटा इक्वल 13/12। आपको कैलकुलेट करना था ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करने थे, जो कि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। देखो, फाइंड आउट करके रखे हुए हैं ना। देखो सारे, साइन थीटा बोलोगे तो साइन थीटा आया मेरा 5/13। कॉस थीटा बोलोगे तो कॉस थीटा मेरा कितना आया? 12/13। टेन थीटा बोलोगे तो टेन थीटा कितना आया? 5/12। और मेरा कॉसेक थीटा बोलोगे तो कितना आया? 13/5। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी को समझ में आया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन बोला है, इफ एंगल बी एंड एंगल आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि आप समझ लो, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी और एंगल ए एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जानते हो ना क्या होता है? एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। तो एक्यूट एंगल सच डेट कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आपको सो डेट करना है कि जो मेरा एंगल ए होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। चलो आइए करते हैं इसको। बोला सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल,
तो सबसे पहला काम करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं। तो जाहिर सी बात है सी क्या हो जाएगा मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल हुआ, राइट एंगल किस पे है तो सी पर है। तो आइए बात करते हैं इसमें आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ये चीज आपको गिवन है, क्या गिवन है, कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन है। और आपको सोड ऐड करना है, इधर लिखते हैं, आपको सोड ऐड करना है कि एंगल ए बराबर जो होगा वो एंगल बी के होगा। तो समझ पा रहे हो ना सभी, क्या बताना है मुझे, कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन है तो आपको बताना है एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो आओ सबसे पहले इसमें एंगल ऑफ रेफरेंस का बहुत अच्छा काम है, यानी क्या पूरा का पूरा खेला किसका है, एंगल ऑफ रेफरेंस। अगर आप एंगल ऑफ रेफरेंस समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और नहीं समझ पाए तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहले पेन चेंज करते हैं, ये लिया। अब बात आती है मेरी कॉस ए और कॉस बी। अब मुझे अगर एंगल ऑफ रेफरेंस मुझे अगर ए चाहिए, यानी ये मेरा एंगल चाहिए, कॉस ए चाहिए, तो बताओ बेटा कॉस ए के लिए मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो कॉस ए के लिए बोलोगे कि मेरा जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, जाहिर सी बात है बेस अपान हाइपोटेनस होता है। अब एंगल अगर मेरा ए हुआ तो इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, तो सबसे पहले लिखते हैं बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बोलोगे बेस मेरा यहाँ पे क्या है, तो चिल्ला के बोलोगे एंगल अगर मेरा ए होता है तो बेस मेरा वही लाइन यानी कि ए सी हो गया। हाइपोटेनस तो बोलोगे कि फिक्स ही होता है, उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं, तो मेरा हाइपोटेनस कितना हो गया ए बी। तो कॉस ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ए सी अपॉन ए बी निकाल ली ना। चलो आओ कॉस बी की वैल्यू निकालो आके, तो आइए कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस बी भी क्या होगा मेरा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बात है अच्छे से, कॉस बी, अब बताओ एंगल ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, एंगल ऑफ रेफरेंस ध्यान से देखो, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस अब की बार बी है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस अगर बी है तो इसके लिए मेरा बेस का काम कौन करेगा, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर मेरा बी है, अब मेरा एंगल ये हो गया, तो इसके लिए बेस का काम कौन सी लाइन करेगी, बी सी लाइन करेगी ना, बेस का काम बी सी लाइन करेगी। समझ में आ रहा है, मैंने बताया था आपको जहां पे मेरी आंखें होंगी वो लाइन बेस का काम करेगी, और जो आंखों के सामने वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो बेस यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस तो मेरा फिक्स है, उसमें तो कुछ समझना ही नहीं, तो बी सी अपॉन ए बी। लेकिन आपका एक क्वेश्चन में देखो एक बहुत आसान सी चीज दे दिया है, बोला है कि बेटा कॉस ए बराबर कॉस बी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जहां पे कॉस ए बराबर कॉस बी हम करते हैं, अब इधर करते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या लिखा, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू बोलोगे मैंने निकाली हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ए सी अपॉन ए बी निकाली हुई है, हाँ तो बिल्कुल निकाली है यही। अब कॉस बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली, तो बोलोगे बी सी अपॉन ए बी निकाली है, ये भी निकाली है ना, हाँ ये भी निकाली है। तो आइए अब इसको काटते हैं पीले पेन से, देखो ए बी से ए बी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ए बी से ए बी जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो मेरा क्या आया, ए सी इक्वल बी सी आ गया। बोलो आया ना, ए सी इक्वल बी सी। क्या आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो लाइनें इक्वल होती हैं और उनके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपकी ये लाइन ए सी बराबर आ गई किसके, बी सी के। तो क्या अब आपका ए सी इक्वल बी सी है, तो देयर फॉर लिख लेंगे, देयर फॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी। ठीक है, क्लियर है ना, कहां पे नहीं समझ में आया, दोबारा समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में गिवन था कॉस ए बराबर कॉस बी, क्वेश्चन में गिवन था कॉस ए बराबर कॉस बी, सो डेट कराना था ए एंगल बी के बराबर है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आया मेरा एसी, जब एंगल ए है तो बेस क्या है, एसी है, तो बेस मेरा एसी हुआ, हाइपोटेनस मेरा ए बी हुआ। फिर मेरी बात आती है कॉस बी, कॉस बी एंगल ऑफ रेफरेंस
बी हुआ। एंगल ऑफ रेफरेंस अगर बी हुआ तो बेस का काम कौन सी लाइन करेगी, बी सी करने वाली है। तो बेस मेरा क्या हो गया, बी सी। हाइपोटेनस फिक्स होता है, हाइपोटेनस कितना हो गया, ए बी, तो हाइपोटेनस ए बी हो गया। अब जो मेरा क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, उसी पे मैंने अप्लाई कर दिया, कुछ नया तो नहीं किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तीसरा क्वेश्चन बोला है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, कॉट थीटा इक्वल 3 cot a = 4। तो 3 cot a = 4 दिया है, तो आपको बताना है, देखो क्वेश्चन दिया है 3 cot a = 4। तो आपको क्वेश्चन में बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप निकाल के बताओ, इनको ये चाहते हैं। तो बताओ सबसे पहले कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 4। सॉरी यहाँ पे ए करना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या था, ए था। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना, 4/3। और कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बोलोगे, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, होता है ना बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये हो गया मेरा बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसपे ए मेरा ये रहा, बी मेरा ये रहा और सी मेरा ये रहा, ठीक है। तो बेस मेरा क्या है, अगर एंगल ए के लिए जब मैं एंगल इसको ले रहा हूं तो मेरा बेस कौन सी लाइन हो जाएगी, बोलोगे ए बी हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी पता है, 4 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा, 3 यूनिट। तो अब मुझे साइन चाहिए, कॉस चाहिए, तो आपको पता होगा साइन और कॉस के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, तो हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। हाइपोटेनस क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड है, मुझे 2 साइड तो गिवेन है, और मुझे तीसरी साइड निकालने के लिए कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो लगाओ इस पे पाइथागोरस थ्योरम और हाइपोटेनस निकालो। तो हाइपोटेनस निकालेंगे क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 16 प्लस 9। तो AC बराबर कितना आ जाएगा मेरा, √25 यानी कि 5। तो मेरा AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब मुझे जो निकालना है हम उस पर अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो देखो मुझे क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर ए, और मुझे क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर ए, यही चाहिए ना। तो साइन ए मेरा क्या होता है, बोलोगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर, प्लस मुझे कॉस ए मेरा क्या होता है, तो बोलोगे बेस अपान हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। अब साइन ए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, 3, हाइपोटेनस कितना है, 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, 4, हाइपोटेनस कितना है, 5, तो 4/5 का स्क्वायर। इतना सा क्लियर है ना, अब नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, रुको इधर साफ करते हैं और धीरे करते हैं, इधर साफ करके और यहीं पे करते हैं। देखो तो ये कितना आएगा मेरा, 9/25, ऐसे देखना जैसे तीर जा रहा वैसे ही देखना। तो ये क्या है मेरा 9/25, और ये मेरा क्या आया, 16/25। अब 25 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 9 + 16, तो क्या आ जाएगा, 25/25, 25 से 25 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1। तो 1 मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सभी को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आया ना, और अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल बढ़िया से रहिएगा, चलते हैं।